पूरे देश और पूरे विश्व के वो सब लोग जो सनातन धर्म को मानते हैं उन सबको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि राम जन्मभूमि का आंदोलन ये 550 वर्ष पहले सबसे पहले राजा थे राणा रणवीर सिंह जी, उन्होंने अपनी 74,000 सेना के साथ आक्रमण किया था राम जन्मभूमि को बचाने के लिए, पर 10,00,000 सेना थी बाबर की और वो लोग मारे गए। उसके बाद लगातार अनेक राजाओं ने, बड़ा इतिहास है लंबा, मैं आज की युवा पीढ़ी को यही कहूँगा कि ये राम जन्मभूमि पे आज भगवान राम का प्रवेश हुआ है, इसका इतिहास सबको पढ़ना चाहिए। हम कोशिश भी करेंगे कि इसको शिक्षा में समावेश करें, क्योंकि इस पर बहुत लोगों का बलिदान हुआ, मतलब राणा रणविजय सिंह जी से लेके कोठारी बंधु तक, इससे श्रृंखला अगर हम देखें तो लाखों लोगों का बलिदान है, तब जाकर ये राम जन्मभूमि आज मुक्त होकर माननीय मोदी जी के नेतृत्व में राम जन्म स्थान पर आज प्राण प्रतिष्ठा हुई है। मैं सबको बधाई देता हूँ, पूरे देश के लोगों को, पूरी दुनिया के लोगों को बधाई देता हूँ। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन से प्रेरणा लेकर हम सब समाज के अंदर काम करेंगे तो इस देश के अंदर रामराज आएगा, निश्चित आएगा। और हम सब आज ये संकल्प लें कि हम प्रभु राम के जीवन से मर्यादा सीखें, उनके जीवन से धैर्य सीखें, उनके जीवन से बड़ों का सम्मान करना सीखें, उनके जीवन से दुश्मन को भी दुश्मन की दृष्टि से नहीं देखना, हमेशा अवसर देना, ये भगवान राम से सीखें, तो निश्चित रूप से इस देश में रामराज आएगा। मोदी जी के नेतृत्व में हम सब लोग समाज सेवा कर रहे हैं और मोदी जी के नेतृत्व में मुझे विश्वास है कि रामराज की तरफ कदम बढ़ चले हैं। भारत 2047 में सबसे ताकतवर देश होगा, ये भगवान राम की कृपा से मुझे विश्वास है कि हम दुनिया के सबसे ताकतवर देश। प्राण प्रतिष्ठा समारोह का लाइव आयोजन भी रखा था, ये तो कम से कम इंदौर में ऐसे 40-50 जगह पर हमने रखा है जहाँ लाइव लोगों ने देखा है, पूजा पाठ हो रही है, हर मंदिर पे आज कम से कम 125 करोड़ दियों से पूरा शहर सजेगा, और हमारे कार्यकर्ता, जनता, धार्मिक संगठन, साधु संत सब लोग लगे हुए हैं। आप देखेंगे जितने भी आश्रम हैं यहाँ पर इंदौर में, सब आश्रम सजेंगे दियों से, दीप मालाओं से। बाज़ार में दिए ख़त्म हो गए, बाज़ार में फटाके का शॉर्टेज हो गया, तो लोगों में बहुत उत्साह है। ये महादीपोत्सव है, महादिवाली है, ये महाराम दीपावली है।